तो आज है 26th of May और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग डाला नहीं था। अभी टाइम हो रहा है 3:51 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, इतने दिन से व्लॉगिंग ना करने का रीज़न मेरा यही था कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था। ऐसी कुछ भी बना के डाल दूँ वो भी बात सही नहीं होती ना। सो आज मेरा एक पार्सल आ गया है, तो पहले आप उसकी अनबॉक्सिंग देख लो, फिर आगे बात करते हैं। सो फाइनली मेरा पार्सल आ चुका है, जो कि यहाँ पड़ा है और वो पड़ा है सैनिटाइज़र। तो अब इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने ये नेक बैंड मंगाए हैं, तो इसके साथ हमें मिली है ये चार्जिंग केबल। ये किसी भी ऑर्डिनरी चार्जर्स पे लग जाएगी। और ये कुछ इस तरह के, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, इसी कारण मैंने ये मंगाया है। इनकी ब्रेकेज का कोई डर नहीं और ये मैग्नेटिक हैं। सो गाइज, अनबॉक्सिंग की वीडियो आपने देख ही ली, तो ये रहे मेरे ईयरफोन्स, नेक बैंड जिसको कहते हैं। मैंने इन्हें एक घंटा वैसे चार्ज कर लिया। फिलहाल तो इनका साउंड आउटपुट बहुत औसम है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे चाहिए नहीं थे और मैंने सिर्फ इसलिए ये मंगाए हैं। ये मुझे 650 के पड़े हैं और मैंने इसलिए सिर्फ ये मंगाए ताकि यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाए मुझे कुछ। सो गाइस, देख लो मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो रिटर्न में चैनल को सब्सक्राइब कर दो एटलीस्ट। फिलहाल मैंने ट्राईपोड बाय नहीं करा, मैं सोच रहा हूँ जब मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब बाय करूँगा। तो उतनी देर के लिए मैं घर पे ही जुगाड़ लगा के ट्राईपोड बनाऊँगा। यहाँ पे ये जो वेस्ट लकड़ियाँ पड़ी हैं इनसे मैं ट्राईपोड बनाऊँगा एक दिन, और उसकी भी मैं वीडियो बना के डालूँगा। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हम हर एक चीज़ को रिसाइकल करके कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, आई होप इनसे बहुत अच्छा ट्राईपोड बनेगा। इसमें से जो जो काम का आता होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। फिलहाल मैं जल्दी से नीचे जाके अपना गिटार लेके आता हूँ और पहले गिटार को साफ़ करेंगे, और मैं आपको गिटार का थोड़ा ओवर भी दे दूंगा। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है तो वीडियो ज़रूर देखना। सो गिटार मैं अपना यहाँ पे ले आया हूँ, बट मैं इसका क्लोथ लाना भूल गया जिससे इसको साफ़ करना है। इसके लिए हम ऐसी कोई भी क्लोथ नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करना। माइक्रोफाइबर क्लोथ जिससे हम ये स्पेक्स वगैरह साफ़ करते हैं ना, ग्लास वगैरह, वही यूज़ करना है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी क्लोथ होते हैं उनसे इस पर स्क्रैच पड़ने का डर रहता है। तो आप जल्दी से नीचे जाके इसका क्लोथ लेके आते हैं। माइक्रोफाइबर क्लोथ मैं यहाँ ले आया हूँ, ये मुझे तो फ्री में मिला था मेरे स्पेक्स के साथ, बट अगर आपको ये चाहिए तो आप किसी भी ग्लासेस वाले के पास जाके 5-10 रुपये का ही देगा आपको ये, तो आप उससे ले सकते हैं। सो ये मेरा गिटार पड़ा है, मेरे पास गिब्सन का गिटार है, इसे कहते हैं बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, ये बॉडी है, ये ब्रिज है गिटार का, ये बॉडी से स्ट्रिंग्स को ऊपर उठा के रखता है जिससे साउंड आता है। ये हेडस्टॉक है, ये ट्यूनिंग पैग्स हैं, ट्यूनिंग पैग स्ट्रिंग को टाइट या लूज़ करने के काम आती हैं। तो सबसे पहले हम गिटार की बॉडी साफ़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एंग्री बर्ड के स्टिकर्स लगाए हुए हैं वैसे गिटार को डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले गिटार की बॉडी साफ़ करते हैं। वैसे मेरा गिटार ज़्यादा गंदा नहीं, क्योंकि मैं बैग में ही रखता हूँ, क्योंकि बैग वैसे गंदा हो रखा है बट गिटार को काफ़ी हद तक वो बचा के रखता है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो बैग लेना है गिटार का, वो पैडेड बैग लेना है, वो ऑर्डिनरी बैग्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हद तक गिटार को बचा के रखता है। तो सबसे पहले हम गिटार की बॉडी साफ़ करेंगे, ब्रिज के पास में भी साफ़ कर लेंगे। ये गिटार का साउंड होल है, साउंड होल के अंदर ही जब हम स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो इसके अंदर ही आवाज़ जाती है, वही गूंज के बाहर आती है जिसे हमें साउंड सुनने को मिलता है। मेरे पास यहाँ पे अकूस्टिक गिटार है, अकूस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। ये इनका नेम याद रखने के लिए
एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। इनका हमें फर्स्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट चूज़ करना होता है, ई बी जी डी ए ई। ये बेसिकली गिटार के स्ट्रिंग्स के नेम होते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट मिलता है, इसमें हम वायर अटैच करके इसको स्पीकर्स वगैरह के साथ अटैच कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आज तक करा नहीं है। और ये जो पार्ट है गिटार का, इसे फ्रेटबोर्ड कहते हैं। इसमें ये जो पार्टीशंस हो रखे हैं, इसे सिंगल सिंगल फ्रेट कहते हैं। इसमें थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ ऐसे मार्क लगे होते हैं। एक चीज़ सभी गिटार्स में कॉमन होती है, जहाँ पे ये दो डॉट्स होते हैं वो ट्वेल्थ फ्रेट होता है। ये इजीली वैसे साफ़ होता नहीं है, बट हम इसके नीचे गिटार की वायर्स के नीचे ये कपड़ा डाल के इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी ये साफ़ हो वैसे कर लेंगे इसको थोड़ा बहुत। अब बारी है हेडस्ट्रोक को साफ़ करने की। हेडस्ट्रोक पे ही मोस्टली ज़्यादा मिट्टी जमा होती है, हेडस्ट्रोक और बॉडी पे। मैं अपने गिटार की वायर्स वगैरह खुद ही चेंज कर लेता हूँ। ये गिटार के ब्रांड का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे। गिटार हमारा यहाँ पे साफ हो चुका है, अब एक बारी प्ले करके देख लेते हैं और आप भी देख लो। और एक और बात, ये गिटार की प्लेक्ट्रम होती है, इससे हम गिटार को प्ले करते हैं। अभी मैं प्ले करूंगा, आप देखना इसे मैं कैसे यूज करता हूँ। भाई जब अभी मैं गिटार प्ले कर रहा था तो आपने देखा होगा, लेफ्ट हैंड से मैं स्ट्रमिंग कर रहा था और जो मेरा राइट हैंड है उससे मैं स्ट्रिंग्स प्रेस कर रहा था। उसे स्ट्रिंग प्रेस करने को कहते हैं कॉर्ड प्रेस करना। तो मैं आपको अभी कॉर्ड्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ए जी सी कॉर्ड, ए माइनर, डी माइनर वगैरह वगैरह, माइनर मेजर कॉर्ड होती हैं। तो ये जो ए कॉर्ड होती है, ए माइनर कॉर्ड, वो इन तीन स्ट्रिंग्स पे फिंगर प्रेस करके प्ले होती है। और जो सी कॉर्ड होती है वो यहाँ से प्ले होती है। तो इस तरह ही अलग अलग कॉर्ड होती है, ये ओपन कॉर्ड्स होती है। और जो बार कॉर्ड्स होती है, बार करना पड़ता है हमें यहाँ फिंगर से, और फिर यहाँ स्ट्रिंग्स प्रेस करते हैं। सो आज के इस व्लॉग में गाइस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आजकल वैसे ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, लॉकडाउन 12 बजे लग जाता तो बाहर कहीं आ जा सकते नहीं। बट जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, मैं बाहर जाके वीडियोज़ बनाया करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो।